आप तो राजनीतिक, आप राजनीतिक बात करने लगे। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो केयर टेकर पीएम है वो चुन लिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए इरशाद अहमद खान, आपकी और बात आगे सुनेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं। कोचर सर, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को कि एक तरफ आरिफ अलवी पर ही जो वहां के राष्ट्रपति हैं, अब ये लोग कहने लगे हैं कि उन्हीं को ज्ञान नहीं है, उन्होंने ही नहीं पढ़ा है, पूरी घटना समझाइए जरा। देखिए, ये कोई प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का है उसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसको एडवाइस करते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नॉलेज नहीं है, ये आई डोंट थिंक ये सही रहेगा। तो आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि ये एक बहुत पिक्यूलियर सर्कमस्टांस है, और मैं आपको, आपके व्यूअर्स को एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि जो भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बनेगा, ये एक केयरटेकर नहीं, ये 2 या 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ये ऑलमोस्ट 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इसीलिए ये डिले हो रहा है इसको चुनने में, बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है वो अपना एक ऐसा बंदा चाहती है जो पूरे, जो उसके नक्शे कदम पे चले, क्योंकि पूरे पावर्स केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे और फिर वो इलेक्शन कमीशन के साथ उसका इंटरेक्शन रहेगा। और जो हमने ये सुनने में आया कि पाकिस्तान का जो अभी सेंसस हुआ है, जो इसकी 201 मिलियन पॉपुलेशन से 241 मिलियन पॉपुलेशन, ये डिजिटल सेंसस जो हुआ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशंस की डिलिमिटेशन होनी है और इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का वक्त मांगा है। और अगर आप इसको देखेंगे, अगर ये 4 महीने में पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो एक एक्सक्यूज और मिल जाएगा इस इलेक्शंस को और पोस्टपोन करने के लिए। मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन एटलीस्ट अगले 1 साल में नहीं हो सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन भी एक ऐसी है, अभी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट IMF का उनके पास आना है वो भी अगले साल आएगा, और इसीलिए ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये जो बेल आउट पैकेज IMF से पाकिस्तान को मिलेगा, वो जो लंबे समय तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर वो रहेगा, आप 1 साल या 1.5 साल का वो वक्त हो सकता है। जैसा कि जबीर अली भी बता रहे कि चुनाव अभी 1 साल बाद होगा, 1.5 साल बाद होगा, ये क्लियर होना बाकी है। सुरेश गोयल जी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक। सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान में अब अगले चुनाव 1 साल या 1.5 साल के बाद होते हैं तो इसका क्या सीधा फायदा इमरान खान को मिलेगा, या फिर ये शरीफ परिवार के लिए चुनौतियों को बढ़ाएगा? क्या लगता है आपको, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो यह है, कानून के मुताबिक अगर वहां की पार्लियामेंट टाइम से पहले वो सस्पेंड कर देते हैं, भंग होती है, तो 90 दिन के अंदर अंदर चुनाव होने जरूरी होते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में सिचुएशन देखी जाए, और जब भाई सभी बता रहे हैं ये कि कम से कम चुनाव की जो पॉसिबिलिटीज है 1 या 1.5 साल से पहले नहीं हो पाएंगी, ये इसका मतलब कि चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा और उसके लिए फिर कोई ना कोई ऑर्डिनेंस या कोई बिल लाया जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, जल्दबाजी क्या थी? अगर आप ये चुनाव कर ही नहीं सकते हैं तो भंग क्यों किया गया? तो मैं जहां तक समझता हूं कि इस सब के पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा इस टाइम पर कि क्या वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही है, लेकिन जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोल लीजिए, मूवमेंट बोल लीजिए, चल रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ी अजीब सी चीज हुई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।